आदि लैब एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ आदि। तो फ्रेंड्स, इस आयरन को बनाने के लिए आपको ऐसा लकड़ी का पीस चाहिए और ये नहीं मिल पाए तो आप पीवीसी पाइप का भी यूज कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने पीवीसी पाइप पर भी वीडियो बना रखी है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो उसे भी, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो वीडियो में मैंने लकड़ी के ब्लॉक के बीच में जो है एक होल कर लिया है, एक एंड से दूसरे एंड तक। आप भी इसी टाइप से कर लेना, और आप नहीं कर पाओ तो फ्रेंड्स, आप बाहर से भी वायर दे सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो, ये ऑयल कंटेनर जो होता है, रिफाइंड तेल का कनस्तर, वो उसका पीस लिया है मैंने, और इसको हम कट कर लेंगे। ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगा आपको कहाँ यूज़ होगा। इसे आप सिंपली कट कर लीजिए इस टाइप से, क्योंकि आज हम पूरा आयरन बनाने वाले हैं, उसके एलिमेंट समेत बिट भी बनाएंगे उसका। तो आप इसे ध्यान से देखिए, इस टाइप से आप कट कर लेना। तो ये हमारा कट हो चुका है, इस टाइप से कटने के बाद दिखेगा। तो दोस्तों, ये मेरे घर में पड़ी ख़राब यूएसबी केबल का मैंने यूज़ किया है। आप भी ऐसी इसी टाइप से यूज़ कर सकते हो। और मैं कुछ भी सामान मार्केट से नहीं लाता फ्रेंड्स, मैं अपना ही घर का वेस्ट मटेरियल यूज़ करता हूँ। जहाँ तक होता है कम पैसों में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट आपको देने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इस टाइप से आप इसकी फ़ोन में लगने वाली जो पिन होती है उसे तो आप काट देना। और आपको जो ये चार कलर के वायर दिख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें से हमें नेगेटिव और पॉजिटिव रखना है, ब्लैक और रेड। और यूएसबी स्लॉट साइड का हिस्सा नहीं काटना फ्रेंड्स। ये रेजिस्टर है 10 ओम्स का यूज़ करना है आपको। ये 10 ओम्स का नहीं है, इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करता। ये थोड़ा कम हीट करता है, लेकिन ये भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन आप 10 ओम्स का यूज़ करोगे तो 100% आयरन अच्छा वर्क करेगा। और मैंने CFL मदरबोर्ड में से निकाला है। और ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हो, ये भी मैंने इसी में से निकाली है। यहाँ एक कैपेसिटर लग रहा था, उसमें से मैंने निकालनी है। और आप भी इस टाइप से निकाल सकते हो, क्योंकि मार्केट बंद है कोरोना वायरस की वजह से, आप समझ सकते हो, तो हम मार्केट नहीं जा सकते। तो दोस्तों, हम यूएसबी केबल के वायर से मैं इन स्ट्रिप्स को फिट कर देंगे अच्छे से। और आप देख सकते हो, मैं कभी भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जो होता है, जो ट्रू होता है, वही आपको बताता हूँ, हमेशा सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि दोस्तों, मुझे एक दो वीडियोस नहीं बनानी यूट्यूब पर, मुझे लाइफ टाइम रहना है, लाइफ टाइम सपोर्ट के लिए रहना है आपके लिए। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो। तो ये जो आप फ्रेंड्स देख सकते हो, मैंने एक गोल्ड टाइप का पीस कट कर लिया है ऑयल कस्टर के टुकड़े में से। इससे होगा ये कि फ्रेंड्स, हमारा जो रेजिस्टर है वो फूकेगा नहीं, हमारा जो आयरन है वो लाइफ टाइम चलेगा। तो ये लगाना ज़रूरी है, आप इस टाइप से लगा लेना, और ये हीट सिंक करने के काम में आएगा। तो आप देख सकते हो, हमने रेजिस्टर पर इसे अच्छे से फिक्स कर दिया। आप भी इसी टाइप से लगा लेना। अब जो फ्रेंड्स हमारे यूएसबी केबल के वायर्स थे, हम इस रेजिस्टर के दोनों साइड लगा लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। और आप किसी भी साइड कोई सा भी वायर लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया, इसलिए स्किप मत करना, हो सकता है आप कोई स्टेप मिस कर दो। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, इससे होगा ये कि फ्रेंड्स, मैंने जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दी है या फिर छोटी मोटी मिस्टेक हुई है, तो मैं आपको हाथ के हाथ बताता रहूँगा। तो इस टाइप से मैंने रेजिस्टर के दोनों साइड वायर लगा दिया है, और आप भी इसी टाइप से लगा देना। फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें वायर्स एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए। ये आप देख सकते हो, बिल्कुल भी टच नहीं होने के। जो नेगेटिव वायर है, मैंने बिल्कुल उसे ढक दिया है। तो फ्रेंड्स, हमने जो वीडियो के स्टार्ट में एक ऑयल कनस्तर का पीस कट किया था, उसे हमने यहाँ यूज़ कर रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और काट लिया, थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो इसका हम बिट बनाने वाले हैं। आप इस टाइप से बना लेना। तो ये देख सकते हो आप, इस टाइप का ये बिट बन चुका है, जो कि हमारे आयरन में लगेगा। इस टाइप से आप भी बना लेना। तो ये दिखने में बढ़िया लग रहा है। और ये जो रेजिस्टर था, हमें इसमें फ़िक्स करना है, तो इसके लिए हमें इसे खोलना होगा। तो ये मैंने इसको खोल लिया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और इसमें हम आसानी से इसे रेजिस्टर को फिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आयरन के बिट को इसलिए इतना छोटा बनाया है, क्योंकि जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा, उतना ज़्यादा हीट करेगा। इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया है, ताकि 5 वोल्ट पर हमारा काम करने लगे। तो इस टाइप से आप इसे फिक्स कर लेना रेजिस्टर को, और अंदर को धकेल देना। इससे होगा ये कि नीचे ज़्यादा हीट करेगा। अब इस बिट को हम प्लास की हेल्प से इसे कस देंगे, दबा देंगे और इसे टाइट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसे टाइट करना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा हीट होगा और ये हीट सिंक करेगा, तभी हमारा ये अच्छा वर्क करेगा। तो ये हमने कर लिया, आप देख सकते हो। तो इसी टाइप से आप भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, मैंने पूरे आयरन का एलिमेंट आपको बनाकर दिखाया है। इसी टाइप से आपको ही बनाना है। और फ्रेंड्स, ये जो आप स्ट्रिप्स देख रहे हो, इसमें एक आपको बड़ी और यूज़ करनी है, 1 mm की, क्योंकि इससे होगा कि हमारा तार जो है जलेगा नहीं जब ये हीट करेगा। मार्केट बंद थी, इसलिए मैं ला नहीं सकता था, तो आप वो भी यूज़ करना। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो, ये रेती है, बहुत काम की चीज़ है। इससे आप इसे रब कर लेना, और इसको पैनी कर लेना आगे से, नोक को इसकी नोक बना लेना। तो ये जो आप देख रहे हो, ये सिल्वर वायर है। आपके पास कॉपर वायर हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। तो इसका हम कवर उतार लेंगे पूरे तार पर से। ये हमने उतार लिया, इस टाइप का ये हो जाएगा। तो इसका मैं सपोर्ट बनाऊंगा अपने बिट के लिए, जो कि हमारे लकड़ी के पीस में लगेगा जाकर। इस टाइप से आपको गोल घुमा के ही बना लेना है। इसे लगाने के फ्रेंड्स दो फायदे हैं। ये हमारे बिट को ठंडा भी रखेगा, हीट सिंक करेगा जो कि, और ये बहुत हार्ड होता है, इसलिए हमारे आयरन की सपोर्ट बनाने के लिए सबसे बढ़िया है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो इसी टाइप से। तो अब हम अपने आयरन के एलिमेंट को इस लकड़ी के ब्लॉक में जो हमने होल किया था, उसमें इस एलिमेंट को घुसा देंगे।
और ये जा चुका है, आप देख सकते हो, इसी टाइप से आप भी लगा लेना। और हमारा जो सिल्वर वायर था उसे हम इस पर लपेट देंगे अच्छे से, आप देख सकते हो वीडियो में, इसी टाइप से आपको करना है। ये हमारी सपोर्ट का काम करेगा और इसको थोड़ा टाइट रखना फ्रेंड्स, और मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया इसलिए स्किप मत करना। तो आप देख सकते हो इस टाइप से आपको करना है फ्रेंड्स। मैं सोच रहा था मुझे नाइक्रोम वायर वाले आयरन पर भी वीडियो बनानी चाहिए आपके लिए, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, अगर आपको चाहिए हो तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो इस टाइप से आप इसे लगा लेना, ये हमारे बन चुका है, पूरा कम्प्लीट हो चुका है। और इसमें हम पेच लगा देंगे अच्छे से, और ये हिल भी नहीं रहा, आप देख सकते हो इस जगह पर हमें पेच लगाने हैं, तो ये हम पेच लगा देंगे आसानी से, इसमें लग जाएंगे। और फ्रेंड्स इस चैनल पर और भी कई सारी वीडियोस इसी टाइप की, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दिए हैं। अगर एक भी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और फ्रेंड्स हमें दोनों साइड टाइट करके अच्छे से पेच लगाने हैं, आप देख सकते हो मैंने दूसरी साइड भी पेच लगाया है, आप भी इसी टाइप से लगाना। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हो बिल बहुत अच्छा लग रहा है देखने पर भी। और इसमें हम पीछे ग्लू गन भर देंगे तार को फिक्स करने के लिए, तो इससे होगा ये कि फ्रेंड्स हमारा खींचने पर बाहर नहीं आएगा और ये खराब नहीं होगा, ये लाइफ टाइम चलेगा। इस टाइप से आप इसे यहाँ फिक्स कर लेना फ्रेंड्स। अभी वीडियो बाकी, इसकी टेस्टिंग देख कर जाइए, अभी इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कि किस टाइप से वर्क करेगा। तो फ्रेंड्स मैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ कर रहा हूँ और ये 3 एम्पियर का है, आप कितने भी एम्पियर का चार्जर यूज़ कर सकते हो, बस 5 वोल्ट का होना चाहिए। ये हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इसे इलेक्ट्रिसिटी दे दी है, आप देख सकते हो इसमें लाइट भी जल चुकी है। और अब अपना आयरन लाते हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा वायर नहीं है, आप देख सकते हो USB स्लॉट के अंदर ये आसानी से लग जाता है। तो आप देख सकते हो ये हीट होना शुरू हो गया फ्रेंड्स, ये थोड़ा लेट हीट होता है क्योंकि आप, मैंने आपको शुरू में बताया वीडियो के 10 ओम्स का आप रेजिस्टर यूज़ करना, तो ये आप 100% बढ़िया वर्क करेगा। फिर इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा हीट होने में, तो आप देख सकते हो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट आपको लगेगा। तो आप अगर अच्छा बनाना चाहते हैं इसे 100%, तो आप उस रेजिस्टर का यूज़ करना, मैं 100% श्योर हूँ कि वो अच्छा वर्क करता है क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बना रखी है, आप उसे भी जाकर देख सकते हो। ये हीट हो चुका है, आप देख सकते हो अच्छे से वर्क कर रहा है। और फ्रेंड्स मैं बिल्कुल भी फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ क्योंकि मुझे यार लाइफ टाइम रहना है यूट्यूब पर, ऐसा नहीं है कि मुझे एक दो वीडियोस ही बनानी है, तो आप समझ सकते हो मैं बिल्कुल भी फेक वीडियोस नहीं बना सकता और मैं आपको हमेशा प्योर नॉलेज दूंगा। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर सकते हो। और आप देख सकते हो आयरन कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये भी बुरा वर्क कर रहा है, ये भी अच्छा वर्क कर रहा है, ये भी आपका काम कर देगा। तो आप इसे इमरजेंसी के यूज़ के लिए आप बना सकते हो घर पर ही। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना,